गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो बेटा दिस इज जोग्राफी एंड यू नो दैट चैप्टर फाइव मिनरल इज गोइंग ऑन सो लेट्स स्टार्ट दुडे टॉपिक कोल सो कोल वॉज यूज फॉर सेंचुरीज टू प्रोवाइड हीट फॉर डोमेस्टिक यूज इन द एटींथ सेंचुरी इट वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम पावर एंड थर्स बिकेम द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन बेटा कोल मीन्स होता है कोयला ठीक है ना एंड इट हैज़ बिन यूज्ड फ्राम एंसेंट टाइम फॉर द डोमेस्टिक यूजेज ऑल्सो पहले क्या होता था कि पुराने समय से ही हम कोयले को यूज़ करते आ रहे हैं डोमेस्टिक यूजेज़ के लिए जैसे कि घर में आग जलानी है या खाना बनाना है या आग सेकनी है इसके लिए हम जो हैं कोल का यूज़ करते आए हैं एटीन सेंचुरी में क्या हुआ कि कोल से जो है स्टीम पावर बनाई गई मीन्स जो भाव शक्ति होती है स्टीम पावर बनाई गई उसी से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीनस होता है बेटा कि अ ग्रेट चेंज इन एनी थिंग दट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन तो जो इंडस्ट्रीज थी उनमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया जैसे कि पहले इंडस्ट्रीज़ में जो है एनर्जी मान लिया कि लिमिटेड सोर्सेज से जो है मिलती थी और अब क्या हुआ बेटा कि कोल आने से जो है बेटा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो हैं स्टीम पावर से चलने लगी ठीक है ना इवन कोल वॉज यूज टू रन द ट्रेन ऑल्सो इन ओल्डन डेज कोल रिमेन द मोस्ट इफिशियंट फ्यूल फॉर रनिंग फैक्ट्रीज ए रेलवे लोकोमोटिवस और कोल का यूज बेटा जो है फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए और जो ट्रेंस होती हैं उनको भी चलाने के लिए यूज किया जाता था इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कॉल्ड द थर्मल इलेक्ट्रिसिटी द कोल विच वी माइंड एंड यूज टू डे एक्चुअली फॉर्म मिलियंस ऑफ यस एगो अंडर द सस्वे ऑफ द अर्थ बेटा जो हम कोल आजकल यूज़ कर रहे हैं या जो कोल हमें मिलता है वो क्या हुआ कि जो है मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो मतलब जो है करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि एक ग्रेट चेंज आया था जिससे कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अर्थ के नीचे दब गए थे ठीक है ना और वही प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे डिकम्पोज होते गए अंडर द अर्थ ड्यू टू हीट पावर ऑफ अर्थ एंड रिमेन्स रिमेन्स द पार्टिकल्स एंड बिकेम फॉसल और वही फिर फॉसल्स बन गए ठीक है ना और जिससे कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल भी मिलता है कोल भी मिलता है वेर द वेजिटल मेटेरियल ग्री लग्जरियनली इन बॉक्स एंड स्वैंपी एरियाज इट वॉज इमेडियट बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेंड और ये जो है सिल्ट क्ले और सैंड के बीच में जो है जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में जो है फिक्स हो गया कोल हैज़ बिन कैटेगराइज इन टू फोर वराइटीज़ कोल की बेटा फोर वेराइटीज़ होती हैं पीट लिगनाइड बिटुमिनस एंड एंथ्रोसाइड द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट एंड द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज़ प्रजेंट इन दैम और जो बेटा ये कैटेगरीज की गई हैं फोर टाइप्स के कोल तो ये बेटा दिस कैटेगरीज हैज़ बिन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ कोल मतलब जो है कौन सा कोल कितना प्योर है और कितनी उसमें इंप्योरिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो है की गई हैं द कोल माइनिंग मैथड्स आर इन्फ्लुएंस बाय अच्छा कोल माइनिंग किनसे किस से किसने होती है देखिए आप द नेचर ऑफ कोल अक्रेंस थिकनेस ऑफ कोल सीम्स द टाइप ऑफ कोल एंड द मोड ऑफ ऑपरेशन बेसिकली कोल इज माइंड इधर ऑन द सर्फेस और अंडरग्राउंड विद माइनर वेरिएशन जो कोल होता है वो बेसिकली बेटा माइंड ही किया जाता है माइंड मीन जो है खाने खदाने खो दी जाती हैं या तो अर्थ के ऊपर या फिर अंडरग्राउंड द मेन कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर चाइना यू एस ए रशिया जर्मनी पोलैंड यूके साउथ अफ्रीका एंड इंडिया इंडिया में भी होता है बेटा कोल द झारखंड स्टेट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया द मेन कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर देखो कहाँ कहाँ इंडिया में कोल निकलता है बेटा एक तो है आपका रानीगंज झरिया धनबाद एंड बोकारो दिज ऑल आर इन झारखंड ना बेटा वी विल टॉक अबाउट पेट्रोलियम पेट्रोलीम के बारे में अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल वॉज इन यूज फॉम द एंसंट टाइम इन इराक एंड ईजिप्त जो आपका पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल है बेटा ये इराक और ईजिप्त में बहुत पहले ही से पुराने समय से जो है यूज uh, करते चले आ रहे हैं द मॉडर्न पेट्रोलियम इंडस्ट्री कैम इन टू बींग ओनली आफ्टर एटीन फिफ्टी नाइन सी वेन द फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यू एस ए अच्छा जो आजकल का पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं बेटा ये जो है 1859 में जब पहली बार पेंसिल्वेनिया यू एस ए में कोल uh, को ड्रिल्ड किया गया था ठीक है ना तब तब से यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन इराक और इजिप्ट में बहुत पहले ही से यूज़ करते आ रहे हैं कोल और सॉरी uh, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल को द मिनरल ऑयल इज़ इन सेडिमेंट्री रॉक्स द क्रीड ऑयल इज सेकेंड आउट बाई द ड्रिलिंग वेल्स इन द आउट ऑयल फील्ड्स होता क्या है बेटा कि जहाँ जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो थ्रू दि मेथड कि वेर इज द ऑयल इज़ प्रजेंट अंडर द ग्राउंड या अंडर द अर्थ कहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर सबसे पहले जो है ड्रिलिंग की जाती है ड्रिलिंग वेल्स मीन्स कुएँ खोदे जाते हैं ठीक है ना फिर वहाँ से क्रीड ऑयल निकाला जाता है ऑन रिफायरिंग द क्रीड ऑयल गिव्स अस अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और जब हम उसे रिफाइन करते हैं क्रीड ऑयल को मींस कच्चे तेल को जब कच्चे तेल को हम जो है रिफाइन करते हैं तो हमें जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं केवल को पेट्रोलियम ही नहीं मिलता है हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन वैक्स प्लास्टिक्स लुब्रिकेंट्स एट्सेट्रा बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट वैल्यू इन आवर डेली लाइफ द क्रीड पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड अच्छा पेट्रोलियम बेटा इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बेटा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम की हमारी लाइफ में कि हम जो है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं मोर देन हाफ ऑफ़ द टोटल रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम आर लोकेटेड इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ऑफ एशिया और आप जानती हो कि जो है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल जितना रिज़र्व है पेट्रोलियम का उससे आधे से भी ज़्यादा जो है कहाँ पे अवेलेबल uh, है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं बेटा जैसे सऊदी अरेबिया हो गया इराक हो गया ईरान हो गया ठीक है ना तो सऊदी अरेबिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर सऊदी अरेबिया कहाँ कहाँ बेटा जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है फॉलोड बाई नंबर सऊदी अरेबिया ईरान इराक कतर यू यूएस ए मैक्सिको चाइना वेनेजोला यू के नाइजीरिया कोत लीबिया एंड रशिया इंडोनेशिया एंड इंडिया ऑल्सो बेटा इंडिया में भी जो है पेट्रोलियम मिलता है इन इंडिया द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीज़न्स आर डिगबोई इन आसाम जहाँ जहाँ बेटा पेट्रोलियम मिलता है इंडिया में वो ये हैं बेटा रीज़न्स डिगबोई आसाम मुंबई हाई ऑफ मुंबई गुजरात एंड द डेल्टास द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स नाउ बेटा वी विल टॉक अबाउट नेचुरल गैस सो आपने कोल पढ़ लिया पेट्रोलियम पढ़ लिया अब आता है नेचुरल गैस इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद द मिनरल ऑयल इन द मोस्ट ऑफ द ऑयल फील्ड्स बेटा जहाँ जहाँ पे ये ऑयल फील्ड्स होती हैं वहाँ वहाँ पर जो है नेचुरल गैस जरूर मिलती है इट गैस रिलीज वैन द क्रूड पेट्रोलियम इट रिलीज ड्रिल्ड एंड टेकन आउट फ्रॉम द ऑयल फील्ड अच्छा ये निकलती कब है या बनती कब है जब हम पेट्रोलियम मतलब कच्चे तेल को जो हम ड्रिल करते हैं तो उसी समय ये नेचुरल गैस भी निकलती है साथ ही साथ में Previously तो दिस गैस was अलाउड टू गो वेस्ट पहले क्या होता था कि इस नेचुरल गैस के बारे में लोग नहीं जानते थे तो इसको ऐसे ही बेटा जो है छोड़ देते थे और वेस्ट हो जाती थी बट नाउ इट इज बींग यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑल्सो लेकिन बेटा अब इसका जो है यूज़ जान गए हैं तो इसको जो है बेटा रिजर्व करके रखा जाता है और ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है द मैन प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस आर रशिया यू एस ए नीदरलैंड्स चाइना ईरान यू के एंड इंडिया टूडे यू एस एज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस अच्छा जो यू है बेटा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं है नेचुरल गैस का बट ऑल्सो ये लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है मतलब जो है जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है नेचुरल गैस उतने ही ज़्यादा जो है यूज़ भी करता है यू इन इंडिया इफ़र्ट्स आर बींग मेड टू डिस्कवर द न्यू रिजर्व और नेचुरल गैस द इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजनस इन इंडिया आर गुजरात तमिलनाडु एंड द कृष्णा गोदावरी रीजन इंडिया में भी बेटा नेचुरल गैस जो है मिलती हैं गुजरात में तमिलनाडु में और कृष्णा गोदावरी रीजंस में ना बेटा दिस टेबल इज गिवन हियर सो दिस टेबल शोइंग अस दैट कि विच मिनरल इज प्रोड्यूस बाय विच कंट्री कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है और लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंट्रीज ऑल ऑल्सो गिवन ही यहाँ पे जो है बेटा दिस ऑल द कंट्रीज आर गिवन फॉलोड बाय नंबर एट द फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस एंड द लास्ट सो बेटा फर्स्ट मिनरल है आपका आयरन तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इज रशिया रशिया है देन सेकेंड नंबर कम्स चाइना इंडिया थर्ड नंबर कम्स एंड लास्ट नंबर कम्स ब्राजील सो बेटा स्टडी दिस टेबल एंड लर्न इट्स एंड बेटा रिमेन ऑफ द चैप्टर We will discuss in the next video. Thank you, Vita.